सो हेलो गाइस, मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ अपना न्यू ट्राईपॉड। इससे पहले भी मैंने मंगाया था, वो थोड़ा डिफेक्टेड आ गया था। मैंने पहले भी मंगाया था तो वो थोड़ा उस डिफेक्टेड पीस आ गया था, तो मैं इसको अनबॉक्स करने जा रही हूँ। पता नहीं कहाँ से मिलेगा, पहले से फटा हुआ भी है थोड़ा सा, तो ये इसको खोलते हैं यहाँ से। इसमें नाइफ की ज़रूरत नहीं, इसमें नहीं सॉरी सीजर की ज़रूरत नहीं है, नाइफ से ही जाएगा। बस ये हमारा न्यू ट्राईपॉड, देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये है बिल, इसके अंदर आया है ये हमें रिंग लाइट, हम इसको बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं ट्राईपॉड की लेंथ कितनी है। और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है, सब कुछ इसमें है। अब देखते हैं पहले ट्राईपॉड की लेंथ। इसको करते हैं लूज, फिर देखते इसकी लेंथ। काफ़ी ज़्यादा है यहाँ तक लग रहा है मुझे, इन सबको भी अलग अलग करना होता है, तो और खुलेगा शायद। ये आप लोग भी देख सकते हैं, ये और नीचे खुलेगा ये। ओ हाँ, यह बहुत ज़्यादा हाइट, हाँ इसको टाइट करना है। ये देख सकते हैं आप, इसकी लेंथ है इतनी ज़्यादा। ये हमारा स्टैंड, अब देखते हैं रिंग लाइट और भी चीज़ें। रिंग लाइट, माइक और क्या आया, हाँ ये इसका रिंग लाइट और इसका माइक, पता नहीं होगा। हाँ इसमें अब इससे पढ़ाने में मुझे बहुत आसानी होगी। ओह इसमें माइक, हाँ माइक भी है, मुझे ये टेंशन हो रही थी इसमें माइक आएगा या नहीं आएगा, इसमें माइक भी है। पर मैंने सोचा था वायरलेस आएगा, बट ये इसमें वायर वाला ही है। चलिए कोई नहीं, अब ये सारी हम फिटिंग करेंगे। पिछली बार जो आया था मेरा डिफेक्टेड पीस आ गया था, उसमें ये फिटिंग नहीं हो पा रही थी, तो इस बार इसमें हो जाएगी, इससे फिटिंग होता है। और तो कुछ नहीं है, तो इसे फिट करके फिर मैं देखती हूँ कैसे होता है। जब पिछली बार ये मैंने मंगाया था तो मुझे इसकी फिटिंग करनी नहीं आ रही, तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इसको फिट कैसे करते हैं, जो कि मुझे भी हुआ था, ये फिट नहीं था, ये मैंने करा है। ये सारी चीज़ें आई थी ऐसे अलग अलग, फिर इसको लूज़ कर लेते हैं एक मिनट, ये लूज़ नहीं हो रहा, इसको लूज़ कर लेते, इसको निकाल लेते। ये ऐसे आया था, ये अलग अलग था दोनों चीज़ें, तो इसको हम ऐसे फिट करेंगे। पहले ये जो है इसको इसमें इसके अंदर डालना है, हाँ नहीं नहीं पहले इसको इसके अंदर, अच्छा ये तो ऐसे नहीं चले जाता, कोई नहीं, अब इसको इसके अंदर डालना है, फिट करना है, और फिर इसको इसे टाइट बंद कर देना है, या फिर ऐसे होगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है इसको ऐसे बंद कर देंगे, फिट कर देंगे। अभी बहुत टाइट हो चुका है, अभी खिसकेगा नहीं। इसको इस रिंग लाइट में यहाँ पे ऐसे फिट कर देना, और अपने फ़ोन के साथ, ठीक है। और इस रिंग लाइट को ये, और इसको हम किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसा लग रहा टूट जाएगा पर टूटता नहीं, ये इसको कैसे भी रोटेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक। अब आ जाते हैं, इसको फिट करके दिखाती हूँ आपको। इसको ये जो इसका नहीं, जो ये है इसको स्टैंड में कैसे फिट करते हैं, तो ये दिखाती हूँ स्टैंड में कैसे फिट करना है इसको। अरे इसको लूज कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर आसानी से इसको फिट कर सके, देन इनको भी लूज फिट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फिट, अब देखते हैं इसको इसमें फिट करते हैं। इसको इसमें फिट कर दें, ये पता नहीं हो रही है, इसमें एक चीज़ मिसिंग लग रही है मुझे, पता नहीं क्या है, एक चीज़ मिसिंग है या पता नहीं। इसमें स्टैंड तो लग गया, अच्छा ये हटेगा आई थिंक, हाँ इसमें कैप लगी हुई है, इसको हटाएंगे।
और इसमें फिट करेंगे। मिसिंग कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छा है। अमेज़न से जो भी चीज़ आता है वो बहुत अच्छी आती है। ये इस रिंग लाइट को हम ऐसे ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो हम इसकी रिंग लाइट जला के देखते हैं कैसी इसकी रिंग लाइट है। ये थोड़ा छोटी है पर अच्छी है। हम इसको अपने चार्जर पे कनेक्ट करके दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें इसको कनेक्ट करना है। देखिए अब ये जो बीच का बटन है इसमें, ये रेड वाले बटन से, इसमें देखिए लाइट ये जलेगी इस रेड वाले बटन से, और इस ऊपर वाले से हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। नीचे वाले से बंद करेंगे और बीच वाले से इसका कलर चेंज कैसे भी करके, ये देखिए थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क। तो ये है मेरा ट्राइपॉड्स।